मेरा नाम निधि है, मैं मेरी एज 23 इयर्स की है। हम पंजाब गए हुए थे किसी काम के लिए, कज़न ब्रदर का रोका करने। वापस अमृतसर आ रहे थे तो साइड में खाना खाने के लिए रुके, तो कोई रॉन्ग साइड में गाड़ी आई और उसने मेरे को पीछे से मार दिया। मैं बाहर टॉवल लेने आई थी, हमारी गाड़ी सर्विस लाइन में थी, रॉन्ग साइड पे आई और उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी। जैसे तैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे, पुलिस हमें हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई, 2 महीने मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, DMC और अपोलो हॉस्पिटल दोनों में 2 महीने मैं वहाँ पर रही। उसके बाद मैं घर आई तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला कि रेस्ट करो थोड़ा टाइम, उसके बाद तुम आगे कोई प्रोसेस करना। मेरी दोनों लेग्स उसमें चली गई थी, एक लेग जो है एक्सीडेंट के टाइम पे कट गई थी, दूसरे की नर्व्स सारी ब्लॉक हो गई थी तो उनको दोनों कट करनी पड़ी। तो 2 मंथ बाद जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मेरे को बेड रेस्ट अभी 1 ईयर का बोला था, उसके बाद ही कुछ आगे करो। देन लॉकडाउन हो गया, देन हम अगस्त में यहाँ पर आए जीवन आशा हॉस्पिटल में। ये हमें हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन, उन्होंने हमें सजेस्ट करा था यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर आए हम, उन्होंने हमें यहाँ पर आकर मेरा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है आशा जीवन आशा हॉस्पिटल में। मेरी जान, मेरी बेटी के बहुत सपने थे, मैं शायद वो पूरे करवाता, पर अब इसके ऊपर है ये कैसे करेगी। पर मेरी बेटी हिम्मत नहीं हारी और ना ही मैं इसे हिम्मत हारने दूँगा। इसके साथ जो हादसा हुआ वो कुदरत की देन, बाकी जो लाइफ में ये बनना चाहती है मैं आज भी इसे वहीं पहुँचाऊँगा जहाँ ये जाना चाहती है। पहले मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी और साइड बाय साइड एक फार्मा कंपनी में अकाउंटेंट थी। देन एक्सीडेंट हो गया तो जॉब छूट गई ऑफ कोर्स। अब मैं ट्यूशंस वगैरह भी पढ़ाती थी, बट अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है पढ़ाना अभी। तो आफ्टर ट्रीटमेंट मैं ट्यूशंस भी पढ़ाऊँगी और जॉब भी करूँगी।